पटना में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली से सारे देश में कोहराम मच गया है। रैली से ठीक पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट से राजनीतिक दलों में गहमा गहमी का माहौल बन गया है। ब्लास्ट के अलावा मोदी के बैनर ने भी अपने विरोधियों की सुर तेज कर दिए हैं। मोदी के विश्वघात और इतिहास के बयानों पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने उन्हें अपना ज्ञान बढ़ाने की सलाह दी है। वो इतिहास की राजनीतिक इतिहास वो ठीक से देखते नहीं है। उन्होंने चर्चा की आंदोलन की, जेपी आंदोलन की, जेपी आंदोलन की शुरुआत से लेके आखिरी दिन तक नीतीश कुमार उसके अगुवा रहे, साथ साथ रहे, सहभागी रहे, सहपाठी रहे, लेकिन उन दौरान नरेंद्र मोदी आरएसएस की गोद में खेल रहे थे। तो जो अपने आरएसएस के गोद मिले और वो आंदोलन की बात करे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट लिख के जाते हैं, उनको डायलॉग डिलीवरी करनी है तो कुछ भी बोलना है, तो कोई आश्चर्यजनक उनका भाषण नहीं था। वही वंशवाद को खत्म करने की शर्त पर राहुल को शहजादा नहीं कहने के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि उन्हें जो भी कहना है वे कह सकते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं बदलने वाला। गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारो, गुलाब का फूल रहता है। राहुल गांधी देश के नेता हैं, देश के नेता रहेंगे। नरेंद्र मोदी जिस नाम से चाहें पुकारें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश की जनता राहुल गांधी को अपना नेता मानती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी अपनी हर एक रैली में अपने विरोधियों पर ताने कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।